नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही खुशहाल और तंदुरुस्त होंगे और सोचते होंगे कि कब एग्ज़ाम आए और एग्जाम जल्दी से दे करके निश्चित हो जाए तो दोस्तों क्या आप जो साल भर में पढ़ाई किए हैं उसका भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है जो कि इस वीडियो में हम 200 सौ वी आई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो कि बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तो चलते हैं प्रश्न की ओर पहला प्रश्न आप देख रहे हैं विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्शन ए उसमें ऑप्शन बी चुमुकीय ऑप्शन सी रासायनिक ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है उसमें विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्शन नंबर ए सही है अगला प्रश्न है दो नंबर किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आर बराबर भी वटे आई अगला प्रश्न है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दृष्ट धारा दृष्ट अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अपतल दर्पण का अगला प्रश्न है भीवातर का एसआई मात्रक क्या है भिमांतर का एसआई मात्रक क्या है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल वोल्ट, वोल्ट, A, सही है वोल्ट वोल्ट ऑप्शन नंबर ए सही है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है अगला प्रश्न है एक वोल्ट कहलाता है एक वोल्ट कहलाता है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है एक जूल बटे कुलोम एक जूल बटे कुलोम अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है उपचयन अगला प्रश्न है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है तो ए जी चांदी ए जी चांदी अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के उग्र स्तंभ को कहा जाता है आवर्त सारणी के उग्र स्तंभ को कहा जाता है तो वर्ग कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए सही है वर्ग अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उपधातु है निम्नलिखित में कौन उपधातु है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है बी अगला प्रश्न है पीतल है पीतल है तो पीतल क्या है मिश्र धातु है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही मिश्र धातु अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो अम्लीय बिलियन का पीएच मान होता है सात से कम और अगर पूछ दिया जाए कि क्षारीय बिलियन का पीएच मान होता है तो सात से अधिक छारिय बिलियन का पीएच मान सात से अधिक अम्लीय का सात से कम और उदासीन का सात होता है उदासीन का पीएच मान होता है सात अम्लीय बिलियन का पीएच मान होता है सात से कम छारिय बिलियन का पीएच मान होता है सात से अधिक तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अम्लीय पूछा है तो सात से कम ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न है सरलतम हाइड्रोकार्बन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन ऑप्शन नंबर ए सही है मीथेन। अगला प्रश्न है कूटपात किसमें पाया जाता है कूटपात किसमें पाया जाता है तो अमीमा में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कूटपात किसमें पाया जाता है अमीमा में अगला प्रश्न है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है फूलों में प्रश्न है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है तो ऑप्शन नंबर एक ए बिल्कुल सही है वृक उत्सर्जी अंग है वृक्क उत्सर्जी अंग है अगला प्रश्न है शुक्राणु बनता है शुक्राणु बनता है तो वृष्ण में ऑप्शन नंबर ए सही है अगला प्रश्न है निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है प्राकृतिक संसाधन नहीं है निम निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो जीवधारी ऑप्शन नंबर डी सही है जीवधारी इंसुलिन की कमी से होता है इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से वो धातु के ऑक्साइड होते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अम्लीय होते हैं अगला प्रश्न देखिए आपका है कि कार्बन कार्बन है कार्बन क्या है तो कार्बन है ओ धातु ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा अस्पृत हाइड्रोकार्बन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सी टू एच फोर अगला प्रश्न देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सी सिक्स एच सिक्स अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है तो हीलियम अक्रिय गैस है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन उप धातु है निम्नलिखित में कौन उप धातु है तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस बी अगला प्रश्न देखिए प्रश्न पौधे में श्वासन होता है पौधे में श्वासन होता है तो पत्तियों के द्वारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आठ नंबर प्रश्न है निम्न में सुपोशी कौन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हरा पौधा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए जी किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है एनीमिया होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए आपका मनुष्य के आहार नाल में अपशोषी अंग है तो इस प्रश्न उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एनेजाइम का कार्य करता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है प्रोटीन का पाचन अगला प्रश्न देखिए मुंह मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है तो इस प्रश्न उत्तर हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बोन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। ऑक्सीजन का वाहक कौन है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो दोस्तों इसमें हीमोग्लोबिन होता है लेकिन यहाँ आर हो जाएगा तो चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है आपका रक्त में शकरा का स्तर नियंत्रण करता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि इंसुलिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों प्रश्न देखिए निम्न में निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है तो लेंस जो है कि पीतल से नहीं बनाया जा सकता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम के लिए नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो अगला प्रश्न देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है वह क्या है रेटिना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसका अगला प्रश्न देखिए एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस बीस सेंटीमीटर है तो यह यह दर्पण कैसा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है उत्तर अगला प्रश्न देखिए तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन ऑप्शन तो नंबर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऋणात्मक अगला प्रश्न देखिए किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है दोस्तों वक्रता तो त्रिज्या की क्या आता है आधी यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आर बराबर टू एफ अगला प्रश्न देखिए न्यूक्लियर शब्द किसके द्वारा दिया गया था न्यूक्लियर शब्द किसके द्वारा दी गई है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है रॉबर्ट हुक अगला प्रश्न देखिए पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है तो पौधे में भोजन होता है स्टार्च के रूप में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्रोफिया किसके द्वारा लिखी गई थी तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए पौधे पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है उत्तक विज्ञान

पीत रस कहा से श्राबित होता है इस प्रश्न का उत्तर जाएगा से अगला प्रश्न देखिए एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है घोल का का पीएच मान होता है है इस प्रश्न उत्तर हो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दो हो सकता है दोस्तों या आप कमेंट करके बताइएगा या सात इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए हैं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर आप इसका कमेंट जरूर करिएगा तो प्रश्न है व्यंजिन का अनुसूत्र क्या है व्यंजिन का अनुसूत्र क्या है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा सी सिक्स एच सिक्स अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है एथिल एल्कोहल का आई यू पी एस सी नाम क्या है तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है एथेनॉल अगला प्रश्न देखिए सी एन एच टू एन निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एल्किन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है तो आप सभी जानते होंगे छब्बीस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है निकेल एवं क्रोमियम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है पीतल क्या पीतल है पीतल क्या है पीतल मिश्रण मिश्र धातु है ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा H2SO4 अगला प्रश्न देखिए प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम है तो आप सभी जानते हैं कि दो नियम होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है लेंस का आवर्धन होता है तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए पैतालीस नंबर प्रश्न है दर्पण का सूत्र है तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे कि ऑप्शन नंबर ए होगा वन v प्लस वन वाई यू बराबर नंबर ए बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है प्रकाश का प्रकीर्णन अगला प्रश्न देखिए कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है उत्तल लेंस अगला प्रश्न देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो इस प्रश्न का उत्तर, आपका? पर... तो का उत्तर जाएगा आपका वास्तविक ऑप्शन नंबर ए माध्यमिक प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि चार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है डायनमो प्रवर्तित करता है डायनमो प्रवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है तो सूखे सेल का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो सुवेत हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सुवेत ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है निम्नलिखित में लवण कौन है निम्नलिखित में लवण कौन है इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है एनए सी एल तुतिया नीला तोता का अनुसूत्र होता है तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है सी यू फोर अगला प्रश्न देखिए गंधक की परमाणु संख्या है गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है सोलह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है तो निमोनिया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है निमोनिया श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है एंट्रोजन है एंट्रोजन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है नर हार्मोन रुधिर चाप नियंत्रित होता है रुधिर चाप नियंत्रित करता है तो यह हो जाएगा द्वारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है एक लिंगे पादप का उदाहरण है एक लिंगे पादप का उदाहरण है पपीता ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है पपीता अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है शुक्रा वहिका प्रश्न द्विखंडन होता है द्विखंडन होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों इनमें सभी द्विखंडन होता है इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है तिरसठ नंबर प्रश्न है एस्टोर शराबित होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है से अगला प्रश्न देखिए मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है वन पॉइंट फोर के जी अगला प्रश्न देखिए इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है नाइक्रोम का अगला प्रश्न देखिए एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल विद्युत फ्यूज प्रश्न अड़सठ नंबर विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है वाल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है समांतर क्रम में अगला प्रश्न देखिए विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विमानतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाल्ट मीटर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है स्थित ऊर्जा में अगला प्रश्न देखिए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, है गैस भरी जाती है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हल्दी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए बॉन्ड ओ एच अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है एल्कोहल अगला प्रश्न देखिए पचहत्तर कैल्शियम कार्बोडाइट जल के साथ अभिक्रिया करके देता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एथेन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है तो अगला प्रश्न देखिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है तो यह होता है तीन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु तो पड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मिथेन अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन छारिया ऑक्साइड है निम्नलिखित में कौन छार ऑक्साइड है इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है एन ए टू ओ अगला प्रश्न देखिए लास्ट बेकिंग सोडा एक मिश्रण है बेकिंग सोडा एक मिश्रण है इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है तो, तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है श्वेत प्रकाश प्रक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है बैगनी रंग का अगला प्रश्न देखिए समतल दर्पण समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो इसका होता है अनंत ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों अगला प्रश्न देखिए चार नंबर प्रश्न है कि अपतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार बने तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है वक्रता केंद्र पर तो अगला प्रश्न देखिए आपका तारे टिमटिमा टिमटाने का कारण है तारा टिमटिमाने का कारण है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है वायुमंडलीय अपवर्तन अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है एक बटे सोलह सेकेंड अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है सीधा एवं हास्य अगला प्रश्न देखिए कि अवतल दर्पण का आवर्धन एम बराबर होता है तो इस प्रश्न सॉरी सॉरी दोस्तों प्रश्न है आपका अपटल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है भीवे यू अगला प्रश्न देखिए चुम्बक विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छर का उपयोग होता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छर का उपयोग होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है नर्म लोहा का दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए तो यहाँ आपको सब सही सही प्रश्न का उत्तर मिला जाएगा तो अगला प्रश्न देखिए है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील क्या है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दस नंबर का इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए ओम का नियम ओम का नियम है तो ओम का नियम आप जानते हैं सभी जानते हैं बहुत आसान है भी बराबर आई आर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए भिवान्तर का एसआई मात्रक क्या है का ऐसा क्या है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वोल्ट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आप अपने बुक मिलाते चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए कि आ मीटर का प्रतिरोध होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुत छोटा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है टिंगस्टेन का बना होता है अब देखिए प्रश्न है आपका रियो स्टेट का उद्देश्य क्या था तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है धारा का परिमाप में कमी अगला प्रश्न देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे से रंगाए होंगे कुलोम अगला प्रश्न देखिए प्रश्न वनस्पति तेल में होती है वनस्पति तेल में होती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आप लोग सभी सही किए होंगे अगला प्रश्न देखिए ब्यूटेन के कितने सामयवी संभव है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दो अठारह नंबर का हो जाएगा दो अगला प्रश्न देखिए मेडलिप के आवर्त नियम के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है मेडलिप के आवर्त नियम का तत्वों का वर्गीकरण आधार क्या है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इसमें शायद दोस्तों हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान पर लगभग में हाँ चलो बिल्कुल यही सही है तो अगला प्रश्न देखिए मोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है एक अनुपात तीन अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में है तो निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है एथनॉल अगला प्रश्न देखिए सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है तो कार्बन का अप्रूफ देखिए दोस्तों आपका ग्रेफाइट हो जाएगा हीरा भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा यानी कि इसमें सभी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है तो चलते हैं अगले प्रश्न प्रश्न है आपका एक परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले योगिक कहलाते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है समयावी अगला प्रश्न है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है धातु पच्चीस नंबर का उत्तर हो जाएगा धातु बी नंबर अगला प्रश्न देखिए कि लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं तो लोहे जैसे दोस्तों लोहे पर जिंक लिपित कनेक्ट पर कहते हैं गिलविनीकरण ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है तो चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न आपका निम्न में कौन संयोजिक यौगिक है निम्न में कौन संयोजक यौगिक है तो सी एच फोर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलिए आभूषण बनाने वाले सोना होता है दोस्तों तो आभूषण बनाने वाला सोना होता है सूत सोना आप सभी जानते होंगे चौबीस कैरेक्ट का होता है लेकिन इसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह पूरा मुलायम होगा तो आभूषण बनाने के लिए दोस्तों बाईस कैरेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए कि निम्न निम में कौन सा उत्कष्ट तत्व है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका आर्गन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न देखिए यहां पर है ताम्र ताम्र ताम एवं तीन के मिश्रण को कहते हैं तो तामा एवं तीन को मिश्रण के करते हैं कासा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं अम्ल और क्षार आपस में प्रक्रिया करके बनाते हैं तो प्रबल अम्ल बनाते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध उत्तक है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें बी और सी होगा बी बी और सी होगा ये दोनों होगा फ्लोयम और जाइलम अगले प्रश्न देखिए पदार्थ का निष्कासन कर, कैसे करता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है प्राशरण द्वारा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्रश्न देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मनुष्य के सबसे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो यह कृत होता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है अगले प्रश्न देखिए प्रश्न शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है आपका इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है शेरी ब्लेम अगला प्रश्न देखिए प्रश्न किशोरा अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ए और बी दोनों हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या पाए जाते हैं तो चार होते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए रक्त क्या है रक्त क्या है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है उत्तक रक्त है उत्तक अगला प्रश्न देखिए जीन शब्द किससे जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है जॉनसन ने। अगला प्रश्न प्रश्न देखिए। है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है ऑक्सीटोक्सटींस इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए फूल में नर प्रजनन अंग है फूल में नर प्रजनन अंग है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इष्ट में द्विखंडन नहीं होता है अगला प्रश्न देखिए प्रस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो प्रस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किसे का कापिता कहा जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा गेगर जॉन मेंडल को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है का पिता कहा जाता है तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्रश्न हरे पौधे कहलाते हैं तो हरे पौधे क्या कहलाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है उत्पादक कहलाएंगे अगला प्रश्न चलिए नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या होती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तेईस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए ओजोन प्रत पाई जाती है तो ओजोन प्रत पाया जाता है इसका हो जाएगा स्ट्रोप मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही है दोस्तों अगला प्रश्न देखिए कागज होता है कागज क्या होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पराभाकर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एस आई इकाई क्या है तो इसका हो जाएगा मात्रक विहीन अगला प्रश्न देखिए प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है तो प्रकाश का चाल दोस्तों विभिन्न विभिन्न माध्यम में जैसे हवा में कुछ हवा में तीन सौ बत्तीस किलोमीटर प्रति घंटा होता है निर्वात में कुछ अलग होता है तो विभिन्न माध्यम में विभिन्न होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है तो चलते अगले प्रश्न की ओर वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो क्या होगा इसमें कम होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है दो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए विद्युत का अच्छा चालक है तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है प्रश्न है सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बनाते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा जस्ता का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न है कि एक जूल का मान होता है एक जूल का मान होता है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है जीरो पॉइंट चौबीस कैलोरी अगला प्रश्न है एक एम्पियर बराबर होता है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दस पे पावर माइनस थ्री एम्पियर अगला प्रश्न देखिए डीजल का उपयोग होता है तो डीजल का उपयोग होता है किसमें? तो डीजल का उपयोग हो जाएगा आपका इनमें भारी वाहनों में रेल इंजनों में उत्पाद यानी कि सभी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है प्रश्न है शोर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है सौर सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो विद्युत ऊर्जा में करता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न है सोने की परमाणु संख्या होती है सोना की परमाणु संख्या होती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है उनासी अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए बौसठ नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दो अगला प्रश्न देखिए अम्लीय वर्षा का अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है तो अम्लीय यानी कि सात से कम तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फाइव पॉइंट सिक्स से कम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए बुझा हुआ चूना है बुझा हुआ चूना है तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन भस्म नहीं है निम्न में कौन भस्म नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी एन एस एल भस्म नहीं है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए जस्ता का है जस्ता का अयक्स है, है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है जिंक प्लेट अगला प्रश्न देखिए सिलिकॉन है एक सिलिकेन है एक तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है उप धातु अगला प्रश्न देखिए एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं है अगला प्रश्न है मेथोनाइक अम्ल का सामान्य नाम है तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है प्रश्न है आपका सोपोसी so पोषण के लिए आवश्यक है सोपोसी so पोषण के लिए आवश्यक है तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है मैग्नेशियम पाया जाता है मैग्नेशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नेशियम अगला प्रश्न है आपका श्वसन के अंतिम उत्पाद है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है CO2 और ऊर्जा अगला प्रश्न है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है तो एनामिल कहलाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है एनामिल एनामेल अगला प्रश्न देखिए दोस्तों प्रश्न है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है छोटी आंत अगला प्रश्न है कि प्राकरण निम्न में से किसके अंदर बनता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है प्राकोष में अगला प्रश्न देखिए चलनी नालिकाएं ना पाई जाती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है जाइलम में प्रश्न है आरबीसी की जीवन अवधि है तो आर की जीवन अवधि है एक सौ बीस दिन यानी कि लाल रक्त और स्वेक्त रक्त का चार से एक से चार दिन होता है जिसे डब्ल्यू कहते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरोन ऑप्शन